तो हमने पिछले पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया इस चैप्टर का, तो अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछाला जा रहा है 6 से बड़ा अंक। अभी बच्चों हमने बात करी थी कि किसी भी पासे पर अधिकतम अंक कितना होता है, 6। तो 6 से बड़ा अंक आना संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब यह किस प्रकार की घटना है, अनिश्चित असंभव घटना, और असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 0। ठीक है, किसी भी पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकतम अंक ही उस पर 6 ही होता है। यह एक असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। अब आपने देखो यहां प्रयोग क्या किया है, एक पासे को आपने एक बार फेंका, और जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने बनते हैं बच्चों, 6। और ये 6 परिणाम कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम तो आ गए 6, तो बट्टा में तो 6 रहेगा। अब हमसे घटना क्या कही गई है, अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है। आप बताइए अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है इसमें से, 2, 3 और 5। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 3, और 3/6 को सरल करने पर क्या मान बनेगा, 1/2। तो किसी भी पासे को एक बार उछाले जाने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता रहेगी 1/2। और अगर इस प्रश्न में भाज्य संख्या पूछी जाए तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों, 1 तो 4 और 1 6। तो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 2, और सभी संभव परिणाम 6। एक का ध्यान रखें, एक न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता रहेगी। ताश की पूरी गड्डी काम में ली गई है, और ताश की गड्डी जब काम में ली जाए तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम 52 रहेंगे। किस प्रकार का पत्ता चाहता है, तस्वीर वाला पत्ता। तो अभी हमने चर्चा की थी ताश की गड्डी में कुल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, सभी प्रकार के 3-3 होते हैं, तो कुल 12 तस्वीर वाले पत्ते रहेंगे, तो प्रायिकता बनेगी 12/52। इसे 4 से सरल करेंगे तो 4 * 3 = 12, और 52 कटेगा 13 बार, तो उत्तर बनेगा 3/13। ठीक है, ताश की गड्डी में कोई भी तस्वीर वाला पत्ता आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 3/13 रहेगी। अगला बनाइए, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे जब एक साथ उछाले जाते हैं, प्रयोग हमारा ये है, दो पासे जब उछाले जाते हैं तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होते हैं बच्चों, 36। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको कि दो पासे जब उछाले जाएं तो सभी संभव परिणाम 36 रहेंगे, और ये परिणाम भी हमें अपने दिमाग में रखने हैं। एक के साथ अंक बदलते जाइए, फिर इसी तरह से पहला अंक बदल के दूसरा अंक रखते जाइए। प्राप्त अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब अंकों का योग हमें चाहिए 7, तो अब हमें इसके अनुकूल परिणाम सोचने हैं। तो इसका तरीका क्या है, आप पहले पासे के सभी अंक लिख लीजिए एक बार, ठीक है, एक पासे के सभी अंक मैंने लिख लिए, योग हमें क्या चाहिए, 7। अब आप बताइए एक में मैं क्या जोड़ूं कि 7 मिल जाए, 6, तो दूसरे पासे का अंक 6 आ गया। अब दूसरे पासे के जो अंक है वो घटते हुए क्रम में लिख लो, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये सभी ऐसे परिणाम है जिनमें अंकों का योग 7 हो रहा है। अब आपको यह देखना है कि इसमें से कोई ऐसा परिणाम है क्या जो पासे का अंक नहीं हो सकता, मतलब कोई 6 से बड़ा अंक आ जाए या 0 से छोटा अंक आ जाए, 1 से छोटा अंक आ जाए, तो सारे परिणाम पासे के हैं, सारे अंक होते हैं पासे पर, इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6, और 6/36 को सरल करेंगे तो 1/6। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या बनेगी इसमें, 1/6। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का जब उछाला जाता है तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होते हैं, 2, और वो 2 परिणाम कौन कौन से हैं, एक तो हेड और एक टेल, चित और पट, और चित आने के अनुकूल परिणाम कितने बनते हैं, 1, तो प्रायिकता बनेगी 1/2। ठीक है, आसान सा सवाल है, सिक्के को जब उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है।
चलिए इस प्रश्न को बनाइए। दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाए तो दोनों परिणाम समान आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं? दो। और जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो सभी संभव परिणाम होते हैं 2 की घात 2 = 4। और ये चार परिणाम कौन कौन से? दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड। इसका मतलब प्रयोग के सभी संभव परिणाम तो कितने हो गए बच्चों? 4। अब हमसे किस प्रकार की घटना कही गई है? दोनों परिणाम समान। तो इन चार परिणामों में से कौन कौन से दो परिणाम समान हैं? ये दोनों। अनुकूल परिणाम 2 बने, प्रायिकता क्या बन जाएगी? 1/2। दोनों परिणाम समान आने के लिए भी अनुकूल परिणाम 2 हैं और दोनों परिणाम असमान आने के अनुकूल परिणाम भी 2 ही रहेंगे। ठीक है, शब्द मोबाइल के से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। शब्द हमें मिला है मोबाइल, अब मुझे बताइए इस शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? 6। इसका मतलब सभी संभव परिणाम तो 6 हो गए। क्या चाहता है प्रश्न? किस प्रकार का अक्षर चाहता है? स्वर, जिसे अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं। और इस मोबाइल शब्द में वोवेल्स कौन कौन से हैं? एक तो ओ, एक आई और एक ई। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से 3 आपको इसमें मिल रहे हैं। तो स्वर आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और 3/6 को सरल करेंगे तो आपकी प्रायिकता बनेगी 1/2। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, कुल अक्षर 6 हैं तो सभी संभव परिणाम 6 हो गए, 6 में से 3 स्वर हैं तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, प्रायिकता बन जाएगी 3/6। देखिए और सोचिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? प्रायिकता के परास के बारे में हमने बात की थी, प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। इसी दौरान इसी बीच में चलती है 0 और 1 के बीच में, तो आपको बतानी है इसमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 5/3 एक अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा और हर छोटा है, और अनुचित भिन्न सदैव 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन बी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी एक दशमलव संख्या दे रखी है, इसका जब आप पॉइंट हटाएंगे तो क्या संख्या बनेगी? 27/10। 27/10 एक अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा और हर छोटा है, और अनुचित भिन्न भी सदैव 1 से बड़ी होती है, और 1 से बड़ी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? 4/9। 4/9 एक उचित भिन्न है, उचित भिन्न सदैव 1 से छोटी होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी नहीं हो सकती वो हमें बतानी है। तो इसके लिए भी हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 2/3। 2/3 किस प्रकार की भिन्न है? उचित, अंश छोटा और हर बड़ा है, उचित भिन्न, उचित भिन्न सदैव 1 से छोटी होती है, और प्रायिकता 1 से छोटी हो सकती है, इसका मतलब ये तो हो सकती है। दूसरा 20% की जब आप भिन्न बनाएंगे तो बनेगी 20/100। ये भी किस प्रकार की भिन्न है? उचित, ये भी इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। ऑप्शन डी को पहले हम देख लेते हैं, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या भिन्न बनेगी? 4/100। और 4/100 किस प्रकार की भिन्न है? उचित, इसका मतलब ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा रह गया? ऑप्शन सी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये किस रूप में दे रखी है? ऋणात्मक। किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। कितने सप्ताह? 52। और 52 सप्ताह मतलब 52 को जब 7 से गुणा करेंगे तो कितने दिन हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा, इसका मतलब 2 बार 53 बार आएंगे।
और वो कोई भी दो बार हो सकते हैं। हमसे रविवार पूछा गया तो अनुकूल परिणामों की संख्या दो और कुल कितने बार होते हैं? सात, सभी संभव परिणाम सात। तो लीप वर्ष में चाहे कोई भी वार हो उसके 53 बार आने की प्रायिकता 2/7 रहती है, और 53 बार नहीं का मतलब होता है केवल 52 बार, सिर्फ 52 बार आना। और ये दोनों परस्पर पूरक घटनाएं हैं, जब 53 बार 2/7 है तो 52 बार के लिए क्या हो जाएगी, एक में से इसको घटाएंगे तो बनेगी 5/7, ठीक है ना। पूरक घटनाएं हैं ये, परस्पर एक में से घटा के प्राप्त करना है। अगले प्रश्न को देखिए। यदि PE बराबर 0.10 हो तो PE बार, यहां बार है, PE बार का मान हमें ज्ञात करना है, और अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसकी चर्चा कर ली है। PE और PE बार ये दोनों परस्पर पूरक घटनाएं होती है, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग होता है एक। PE आपको कितना दे रखा है? 0.10। PE बार हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? पक्षांतर से। तो सिर्फ PE बार ज्ञात करने के लिए एक में से 0.10 को घटाना है, और ये घटाने पर हमें मिलेगा 0.90। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी, 0.9। ओके, पूरक घटनाओं का योग एक होता है, एक में से आपको 0.10 को घटाना है, आपको इसकी पूरक घटना की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपके ऑप्शनल क्वेश्चन की। अब जरा कुछ रिक्त स्थानों के प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लें। एक प्रश्न आएगा इसमें से, तो बताइए इनके जवाब। साधारण से प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना वे होती है जो घटित होना संभव नहीं होता, और उनकी प्रायिकताएं हमेशा जीरो होती है। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। दूसरा, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर और किससे छोटी या उसके बराबर हो सकती है? तो प्रायिकता के परास में हमने पढ़ रखा है, किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर भी हो सकती है, और एक से छोटी या एक के बराबर होती है। जीरो के बराबर तो होंगी असंभव घटनाएं, एक के बराबर होंगी निश्चित घटनाएं, और जीरो से बड़ी और एक से छोटी होंगी अनिश्चित घटनाएं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात कर ली थी, एक, वे घटनाएं जो घटित होना निश्चित होता है, फिक्स होता है, वो निश्चित घटनाएं कहलाती है, और ऐसी घटनाओं की प्रायिकता एक होती है। सेम सवाल वापस फोर्थ आ गया, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उस घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना। और इस प्रकार की घटनाओं की प्रायिकताएं क्या होती हैं? सदैव एक। पांचवा देखिए, यदि संख्याओं 1, 2, 3 से लगाकर 15 से यादृच्छ 4 गुणज चुने जाने की प्रायिकता में ज्ञात करें। अब संख्याएं कहां से कहां तक दे रखी? 1 से 15। इसका मतलब इस प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी हो गई? 15। 15 में से कोई भी संख्या आ सकती है। आपको क्या चाहिए? 4 का गुणज, मतलब 4 के पहाड़े की संख्या। 15 तक की गिनती में 4 के 3 गुणज आते हैं बच्चों, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 और 4 3 12। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने बने? 3। और जब 3/15 को आप सरल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1/5, ठीक है। 4 का मल्टीपल आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 1/5 रहेगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता परस्पर पूरक घटनाएं, और पूरक घटनाओं का योग क्या, प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक। एक अलीप वर्ष में 52 सोमवार आने की प्रायिकता, अलीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है और उसमें सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा रह जाता है, जो 53 बार आएगा, एक बार ऐसा रहेगा जो 53 बार आएगा। इसका मतलब हमें कितने चाहिए? सिर्फ 52। 6 बार ऐसे रहेंगे जो सिर्फ 52 बार आएंगे, और कुल बारों की संख्या क्या होती है? 7। तो 52 सोमवार आने की प्रायिकता क्या बनेगी? 6/7।
ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है सम संख्या होने की प्रायिकता, पासे के सभी अंक बताइए कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब सभी संभव परिणाम तो 6 हो गए। कैसी संख्या चाहता है प्रश्न, सम। अब सम कौन कौन है इसमें, 2, 4 और 6, कितने परिणाम बने, 3। सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 रहेगी। चलिए बताइए इनके उत्तर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, इंट्रोडक्शन में हमने इसका डिस्कस कर लिया था, कितना होता है, 1। किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, सिर्फ संभव परिणाम पूछे हैं, और किसी सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो सभी संभव परिणाम कितने होते हैं बच्चों, 8, 2 की घात 3। और ये 8 परिणाम भी आपको ध्यान रहना चाहिए, कैसे बनाओगे, पहले परिणाम में तीनों एच एच और एक एक को टी से बदलते जाइए। हर बार मैंने एक एच को हटाकर टी ले लिया है। फिर 3 परिणाम ठीक इसी तरह से, जब तीनों पर टेल आए, अब एक एक टी को हटाते जाइए और एच से बदलते जाइए। तो इस तरह से 3 सिक्कों को उछाले जाने पर इसके सभी संभव परिणाम कितने बनते हैं, 8। ओके, तो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यूज और ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों के बारे में चर्चा की, और दोनों में से एक एक प्रश्न आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो इन प्रश्नों को एक बार आप फिर से देखें और समझकर इन प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है।